मेरे यूट्यूब चैनल क्वाडिलियम पब्लिकेशन से बोल रहा था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपके यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि हमारा वीडियो कब लोड किया हुआ है। तो यदि आपको जानने का कि आपकी शादी कब होगी, तो आप भी हमारे आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट भेजिए। उसमें आप बॉय होंगे तो इस बाजू का फोटो भेजिए और गर्ल होंगे तो इस बाजू का फोटो भेजिए, लेफ्ट हैंड का फोटो भेजिए, बॉय तो राइट हैंड का फोटो भेजिए। और ये चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो फिर आप उसको भेज सकते हैं। आपको बता देंगे कि आपका शादी कब होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोग शादी क्यों नहीं करते हैं, जनरली जल्दी शादी क्यों नहीं होती या करते क्यों नहीं है। तो आप जनरली देखेंगे कि कोई भी बॉय या गर्ल होगा कि इसका कुछ ना कुछ अफेयर होता रहता है, तो वो अफेयर को भूल नहीं पाता है। तो बहुत लंबा चलता, 4-5 साल अफेयर चलता रहता है, तो वो अफेयर के कारण उसको भूल नहीं पाता, शादी नहीं हो पाती, तो उसका अटैचमेंट रहता है, वो डिप्रेशन में भी चले जाता है। बंदा डिप्रेशन में चले जाता है तो उसको अलगाव पैदा होता है कि यार नहीं, यार शादी हो गया, सब ऐसे लोग हैं, अपने इसमें ये नहीं है, अपने भाग्य में नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो उसका अलगाव होता है, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, 1-2 साल ऐसे निकल जाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि जब वो भी शादी करने की सोचता है, तो वो जैसे अपना एक्स, जो भी एक्स होगा उसका एक्स के हिसाब से ही सब में अपने एक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। बॉय होगा तो गर्ल में अपनी पुरानी एक्स को, है ना, एक्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, और गर्ल होगी तो अपने बॉय दूसरे जो ऑफर्स, यानी ऑफर्स में गर्ल्स वो एक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार वो अपने ऐसा है कि नहीं, अधिकतर सिलेक्शन भी उसी टाइप से करते हैं। जनरली आप गौर कीजिएगा कि वो जनरली उसी टाइप का लड़का या लड़की सिलेक्ट किया जाता है, तो हमेशा अपने एक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक रीज़न ये है। दूसरा कैसे होता है कि सपोज करो जैसे बॉय या गर्ल पे कभी कभी जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिम्मेदारी बोले तो फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसका एक रीज़न है। तो सपोज किसी का शनि खराब है, शनि है ना, शनि की दृष्टि हो गया हो जाए शादी के इसमें, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। सपोज उसके माँ बाप रिटायर्ड हो गए, उसके भाई बहन छोटे छोटे हैं, तो या कोई भी है, तो उसको जिम्मेदारी आएगी परिवार का पालन पोषण करने का, उसका देखने का। तो वो अपनी लाइफ तो आदमी कर देता है ना, उसकी लाइफ 20-30-31 हो जाती है, इसके कारण और जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं कर पाता। लोग बोलते शनि के कारण होता है, तो शनि के कारण पंगे होते हैं, पर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो ये रीज़न होता है कि उसके कारण उसको शादी नहीं हो पाती है। दूसरा कैसा होता है कि सपोज करो कोई कभी कभी आदमी को जैसे कुछ शुक्र हो गया है, तो वो उनको बहुत लग्जरी वाला आदमी चाहिए होता है। लग्जरी बोले तो अभी हर आदमी के घर में जैसे गर्ल होगी तो चाहेगी कि उसके पति को 1-1.5 लाख रुपये पगार हो, कार हो, घर हो, नौकर चाकर हो, अच्छा सा घर हो, नौकर चाकर हो, तो वो इसी टाइप के ऑफर सिलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो वो वेट करती रहती हैं। बॉय भी कभी शुक्र अच्छा होगा, शुक्र की दशा होगी, तो वो सोचेगा कि यार लड़की कुछ भी हो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, लड़की दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ऐसे अच्छी हीरोइन जैसी होनी चाहिए, जो भी उसको हीरोइन अच्छी लगती होगी तो उसी टाइप की हीरोइन को वो पसंद करने आता है। तो उसकी इच्छा होती नहीं यार कुछ भी हो, लड़का लड़की अच्छी दिखनी होनी चाहिए, यानी गर्ल भी चाहती कि लड़का लड़की अच्छा दिखना भी अच्छा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, तो इसके कारण वो पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। बॉय भी सोचता है कि पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इसके कारण वो ढूंढते बैठते हैं, इसके कारण शादी में थोड़ा सा लेट हो जाता है। दूसरा अभी सपोज को राहु आ गया, अभी राहु सपोज को किसी के इसमें राहु आ जाता है, राहु क्या करता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा के दिखाता है, ऐसे माया दिखाता है बड़ा। अभी उसको सपोज को कोई भी है तो दिखाएगा कि नहीं यार ज़्यादा चाहिए, कुछ भी एक्सेस में ज़्यादा चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं यार घर भी होगा तो बहुत बड़ा घर चाहिए, छोटा घर नहीं चाहिए, वो तो बोलेगा बहुत बिग हाउस चाहिए, कार भी छोटी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, नौकरी भी ऐसी छोटी मोटी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी नौकरी चाहिए। तो इसमें राहु के कारण अभी बोलते कि राहु के कारण शादी लेट होती, लेकिन बेसिक रीजन आप देखेंगे तो उसकी बुद्धि उस टाइम पर भ्रष्ट हो जाती है, बोलता नहीं मेरे को बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, अरे भाई नहीं
प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इतना बाहर करने के लिए उसको अपने खुद में भी उतनी औकात होनी चाहिए। आप सब उसको इतना बड़ा आदमी होगा, बहुत पैसे वाला, बहुत पगार वाला होगा, तो उसमें भी उतनी गट्सी होनी चाहिए कि वो उसको सिलेक्ट करे। उसमें गर्ल्स में भी वैसा होना चाहिए कि यार कुछ अच्छा हो। क्या सपोज को एक एक हमारी क्लाइंट थी, तो वो बोलती थी कि यार मेरे को 1 लाख पगार वाला ही आदमी चाहिए। ठीक है, उसको ऑफर आते भी थे 1 लाख वाले, तो 2 ऑफर भी आए थे 1 लाख पगार वाले। तो वो थी 10वीं 12वीं पास थी, पर उसको 2 ऑफर भी आए थे 1 लाख पगार वाले। तो उनने उससे पूछा, चलो ठीक है आप तो मेरे को सिलेक्ट करेंगे। बॉय ने बोला कि आप तो मेरे को सिलेक्ट करेंगे, 1 लाख की पगार है तो, लेकिन अब ये बताओ कि मैं आपको क्या को सिलेक्ट करूँ? आप 10वीं 12वीं पास है तो मैं तो इक्विवेलेंट है नहीं, आप दिखने में इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्या है इससे कोई स्पेशल, ऐसे दिखना बड़ी बात नहीं, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी कुछ भी नहीं कि आर्ट है कि कुछ है या नहीं, मैं क्या को सिलेक्ट करूँ? तो आप रिवर्स भी देखने का, प्रैक्टिकली सोचने का। इससे पिक्चर का डायलॉग था कि यार अधिकतर लोग लड़के देखते कि दिखने में ऐसा दिखने में चाहिए होता कि 4 लोगों के बीच में लेके जाए, गर्ल्स ऐसी बातें करते कि 4 लोगों के बीच में लेके जाए तो सब बोलना चाह रहा है क्या क्या हैंडसम बॉय है ना, उसका पति कितना अच्छा है, 4 लोगों के इसमें देखने के लिए जाए तो ऐसा होना चाहिए। और एक पिक्चर का डायलॉग आया था ना बरेली की बर्फी में, उसमें डायलॉग अच्छा था, बोले यार सभी सभी दिखने के हिसाब से शादियां होने लगी तो आधे लोग तो कुंवारे ही मर जाएंगे। तो ऐसा भी है कि यार दिखने के हिसाब से देखने की बजाय ना गर्ल्स को भी ऐसा चाहिए कि प्रैक्टिकल आदमी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ना आदमी संभाल पाए, उसकी केयरिंग होना चाहिए। मेन तो केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग करता है कि नहीं। दूसरा उसकी इनकम, जन गर्ल्स ने देखना चाहिए कि उसकी इनकम वगैरह है कि नहीं है, सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, अपने बच्चों को प्रेम वगैरह दे पाएगा कि नहीं, तो वो मेन होता है बजाय कि दिखने का। दिखना ठीक है, तो एक बेसिक रीज़न ये होता है कि इसके कारण वो होता है। कभी कभी सपोज को कुछ से कोई कोई होमो भी होता है या लेसबियन भी देगा, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी शादी करने की इच्छा नहीं होती, होती नहीं है जनरली, उनके इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं होता, इसलिए इच्छा भी नहीं होती है। तो कुछ कुछ केस ऐसे भी होते हैं, और कुछ कुछ जैसे बॉयज़ को भी फियर रहता है कि अपन सस्टेन उसका बीवी बच्चों को संभाल पाएंगे कि नहीं, कभी कुछ कम ज़्यादा हो गया, इसके लिए भी बॉयज़ शादी नहीं करते। गर्ल्स का भी एक बार उनका मन उचट गया तो मुश्किल हो जाती है। तो जनरली बेसिक ये रीज़न होते हैं। ऐसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का उत्तर देंगे। थैंक यू।